pattern is given one. Is case mein given matrix in the form of 7 by 4. Here's number of rows are 7 and number of columns are 4. Is case mein kuch places par required kya hai space. Some places here required star. Means blank places par space write down kar only for understanding point of views or only for sake of completions. In that case agar number of row count karo to total row kitne found ho rahe hai 7 row 1 2 3 4 5 6 and 7 row. Number of columns kitne 1 2 3 4 4 columns. Finally iska order kya 7 by 4 matrix. Next one. इस केस में सबसे पहले नंबर ऑफ रो कितने फाउंड हो रहे हैं 7 रो, इसलिए आउटर लूप कितनी बार चलाएंगे 4 7 टाइम्स. इसलिए आउटर लूप के लिए कंडीशन क्या यूज करेंगे i लेस देन इक्वल्स टू 7. सेम एज नंबर ऑफ कॉलम्स कितने फाउंड हो रहे हैं 4 कॉलम्स. इनर लूप के केस में कंडीशन क्या जाएगा j लेस देन इक्वल्स टू 4. नेक्स्ट में व्हाट इज द इफ कंडीशन फॉर डिस्प्लेइंग स्पेस और स्टार. मींस इफ कंडीशन कैलकुलेट किसके लिए करना है स्पेस के रिस्पेक्ट में. स्पेस किस केस में आ रहा है अपर केस दैट वन. इस अपर केस के लिए अगर कंडीशन कैलकुलेट करें अपर केस के मींस टोटल 2 कंडीशन रिकॉर्ड होंगे अपर केस एंड 4 लोअर केस और लोअर साइड. अपर साइड के केस में रिलेशन क्या क्रिएट हो रहा है बिटवीन आई एंड जे. इन दैट केस अगर आई और जे का एडिशन कराया जाए सभी केस में आई और जे का एडिशन क्या है addition of I and j is less than or equals to 4. Means 3 plus 1, 2 plus 2, 1 plus 3. सभी addition के either equals to 4 or less than 4. लेकिन remaining सभी cases में अगर I और j का addition कराया जाए then इसका addition क्या आएगा greater than 4. First condition is I plus j. लेकिन I plus j के case में only upper case वाला space manage करना possible. Then what about lower case? Lower triangle के case में अगर कंडीशंस काउंट करें इस केस में बात करना है सभी केसेस में आई का वैल्यू कैसा आई ग्रेटर देन जे. लेकिन आई ग्रेटर देन जे रिमेन सेम कंडीशन अदर केस में भी सेटिस्फाई होने चांसेस हैं. मींस कंडीशन ऐसा कैलकुलेट करना जो केवल लोअर पार्ट के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए नॉट फॉर अदर एलिमेंट्स. अदरवाइज स्टार्स के प्लेसेस पर भी क्या प्रिंट हो जाएगा स्पेस. कंडीशन क्या आएगा इस केस में. इस केस में अगर आई और जे का सबट्रैक्शन कैलकुलेट करें आई माइनस जे तो इसका सबट्रैक्शन कैसा रहा 5 माइनस 1 इज फर्स्ट केस. मैं इसके लिए इस पार्ट के लिए बात कर रहा हूँ 5 माइनस 1 इज 4 6 माइनस 1 इज 5 7 माइनस 1 इज 6 देन 5 माइनस 2 इज 3 5 माइनस 3 इज 2 5 माइनस 4 इज 1 नेक्स्ट वन 6 माइनस 2 इज 4 6 माइनस 3 इज 3 6 माइनस 4 इज 2 7 minus 2 is 5, 7 minus 3 is 4, 7 minus 4 is 3. मीन्स इस पर्टिकुलर केस में अगर बात करें इन दैट केस इस केस में आपको रिक्वायर्ड क्या लोअर केस में कितने एलिमेंट्स के लिए 6 एलिमेंट्स 3 प्लस 3 6 एलिमेंट्स. इस केस में कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई हो रहा मीन्स आई जे अगर आई से जे को सबट्रैक्ट किया जाए तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना है इस केस में मैक्सिमम डिफरेंस अप टू 6. लेकिन आपको कंडीशन किसके लिए अप्लाई करो मिनिमम मिनिमम डिफरेंस कितना है 4. इसलिए कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे i माइनस j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 प्लस इसको कंबाइंड किसके थ्रू करेंगे यूजिंग और ऑपरेटर. फाइनल कंडीशन क्या हुआ इस केस में i प्लस j लेस देन इक्वल्स टू 4 और i माइनस j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 दैट वन. दिस इज कंडीशंस के थ्रू अपर केसेस वाले स्पेस भी मैनेज करना पॉसिबल और लोअर केस स्पेस भी मैनेज करना पॉसिबल है. वन मोर थिंग्स इस पैटर्न के अंदर और 7 क्रॉस 4 के केस में टोटल पैटर्न्स कितने पॉसिबल हूँ अभी करंटली मैंने डिस्कस किया दैट पैटर्न्स दैट वन. इसके अलावा अदर पॉसिबल पैटर्न क्या हो सकता है वन मोर केस लाइक दैट. अदर पॉसिबल केस दैट वन एंड दैट वन. मीन्स इस केस में भी टोटल 4 पैटर्न्स पॉसिबल होंगे. फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो चुका है रिमेनिंग केस में डिस्कस करेंगे सेकंड पैटर्न थर्ड पैटर्न और फोर्थ पैटर्न इन सेम केस. वन मोर थिंग्स करंटली मैंने लॉजिक कैसे प्रोवाइड किया स्टैटिकली मीन्स स्टैटिकली मीन्स ओनली 7 by 4 के लिए वर्क कर रहे हैं मीन्स ओनली 4 अगर एन का वैल्यू 4 है. अगर आपको डायनेमिकली कंडीशन अप्लाई करना है एन के फॉर्म में सपोज दैट एन इज एंटर्ड एज 4 अगर n का वैल्यू 4 है देन 4 के प्लेस पर क्या यूज करेंगे n. मीन्स यहाँ n किसके रिस्पेक्ट में यूज हो रहा है कॉलम्स के रिस्पेक्ट में. नेक्स्ट वन रो के लिए कंडीशन क्या आएगा i के रिस्पेक्ट में अगर n वैल्यू 4 है देन
आई के लिए लूप लूप मैनेज कब तक करना, 7 टाइम्स। तो कंडीशन क्या राइट डाउन करें इस केस में, 2 इंटू एन माइनस 1, अगर एन वैल्यू 4 है तो एन के प्लेस पर क्या जाएगा 4, 8 माइनस 1 इज 7। फाइनली डायनामिक कंडीशन प्रोड्यूस करें इस केस में, आई लेस देन और आई इज लेस देन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई एन माइनस 1। देन सिमिलरली इफ कंडीशंस के केसेस में 4 के प्लेस पर डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, एन। अगर एन का वैल्यू 4 है देन लेस देन इक्वल्स टू 4, एन का वैल्यू 5 है देन लेस देन इक्वल्स टू 5, सेम एज इन दैट प्लेस, 4 के प्लेस पर क्या आएगा एन। इस करंट केस में किसी भी पैटर्न को डिस्प्ले कराना पॉसिबल हुआ इस गिवन सेव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन।